अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। तो जाके गुंडों को बताओ ये सारी बातें। अर्तुरुल ने छुपकर मुलाकात की अपने जाबाजों से और किस तरह खुफिया मुलाकात की अब्दुल रहमान से, सब कुछ बताओ जाकर ताकि उसकी आंखें खुल जाएं। वो मुझ पर अंधा एतमाद करता है। मैं कभी भी गुंडों को खत्म कर सकता हूँ, उसे भी और उस ताजिर को भी। डोयान ने कहा है कि उसे वापस जाने दो। आखिर किसके कहने पर तुमने अपना फैसला तब्दील किया? मैंने अपना फैसला अर्तुरुल के कहने पे बदला। जंग नहीं होगी, समझ लो तुम, कोई जंग नहीं होगी। नहीं उठा सकते हम मस्जिद लाशों का बोझ। आप बहुत बुजदिल हैं भाई, बुजदिल हैं। बता देना उस एक हाथ वाले सरदार को, उसके दूसरे हाथ में भी कील ठोक दूंगा अगर मेरे कबीले में दोबारा फसाद बर्पा किया तो। सरदार नोयान बेदार हो चुके हैं, तुमसे खुश है ना वो? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खुश रखना नोयान को, समझ आ रही है ना मेरी बात? अब जाओ। सरदार नोयान, गुंडोक्तू से सौदा करने वाले ताजर के बारे में कोई फैसला किया आपने? आखिर वो कौन सी चीज है जो काई और दोदुर्गा कबीले को मुत्तहिद रखे हुए है? यकीनन वो हमारा खौफ ही है। और भी कुछ है? उनका आपस में इत्तेहाद। आने वाले मौसम सरमा में दोदुर्गा वाले कहां तक पेट भरेंगे काई कबीले का? आखिर कब तक इत्तेहाद कायम रहेगा? अगर काई वाले अपने मवेशी और सामान बेचने में कामयाब ना हो सके तो आपस में लड़ पड़ेंगे। उस ताजिर को मारना पड़ेगा और उसकी जगह अफरासियाब लेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों कबीलों से सब कुछ छीन लेंगे। देखते हैं कि उस कबाइल अपने बाहमी इत्तेहाद को कितनी अहमियत देते हैं।
क्या हो गया यक्तुल के लिए? दो लख्त हो गया आसमान, दो भाइयों का झगड़ा तमाम लोगों को फिर परेशान कर देगा। काश ये जबान ना होती, मेरे हाथ टूट गए होते। काश के गुस्से को काबू में कर लेता, मगर नहीं कर सका। भाई अब ठीक तो है? ठीक हूं तो तकिन ठीक हूं मैं। आप पर हाथ उठाया उसने, देखिए जरा अपने बड़े भाई पर हाथ कैसे उठा सकता है वो। ये मसला दो भाइयों का है, तुम्हारा नहीं तूतकिन। खामोश रहो सलजान। मुझे खामोश कराने से बेहतर है उन्हें खामोश कराओ जो आग भड़का रहे। चुप क्यों नहीं होते तुम? अर्तुरुल भाई बहुत बहादुर लेकिन लापरवाह आदमी है, और वो हम सबको बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। सबको पछताना पड़ेगा बाद में। अर्तुरुल मान चुका है चिरके के हर फैसले को तूतकिन। फूफी जान उसे मानना पड़ेगा, वरना मुझे अच्छी तरह समझाना आता है। अर्तुरुल हमारे बड़े हैं, जख्मी हैं और कर्म में भी। उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे गोकचे। मेरी बात नहीं समझे आप। अर्तुरुल जख्मी इसलिए हैं क्योंकि अपने जख्मों को खुद खुरेदते हैं, लेकिन इस बार वो गलती पर है। उन्हें हर सूरत जिरगे का फैसला मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तुम समझती हो वो मान जाएगा? अगर उन्हें ताबे करना है तो मजीद तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। अर्तुरुल बहुत अजीज है, अहम तरीन है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बताना ये था कि आप दुरुस्त हैं, इसलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी तूतकिन साहब। शुक्रिया गोकचे, बहुत शुक्रिया। क्या घोड़े ने मारा है तुम्हें? हाँ ऐसा ही है। खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। नौयान का पता चला कहाँ है? हाँ सच कह रहे हो तुम? अहवाल बयान करते हैं जंगल के पासी, और वही अहवाल सारी हकीकत बयान करता है। ठीक तो है? ठीक हूं मैं, परेशान ना हो तुम। मुझे तुमसे एक दरखास्त करनी है। मेरा भाई सुंगुर तकीन, उसके बारे में नौयान ने जो बताया वो सच है कि वो अपने वालिद और अपने कबीले का गद्दार है, और क्या वो जिंदा है? मुझे जानना है कि वो वापस आएगा या नहीं। सब कुछ बताओ मुझे।
जंगल के बासी, कुछ बताएं या ना बताएं, लेकिन तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही अब। अगर तुम्हारा भाई चीन में भी मौजूद है तो जंगल के बासी उसका खोज आराम से लगा लेंगे। मंगोलों के लिए आज के बाद यह जमीन जहन्नुम बना देंगे हम। ऐसा ही होगा भाई। क्या हो रहा है देली तमीर? अर्थरुल से किया हुआ वादा बहुत जल्द इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचाने वाला हूं मैं। क्यों नहीं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह अर्तुक भाई। भाइयों के झगड़े से उनके दरमियान इतनी रंजिशें नहीं बढ़ी जो इन कबीलों के दरमियान बढ़ गई हैं देली तमीर। खुदा ना खास्ता अगर एक और झटका लगा तो ना ही कबीला बाकी रहेगा, ना भाईचारा और ना ही अमन इत्तेहाद। दुरुस्त कहा आपने भाई, दुरुस्त कहा। अर्तुरुल और उसके जांबाज अभी भी नजर नहीं आ रहे। क्या आपको मालूम है कि वो सब कहां है? मुझे तुम सिर्फ ये बता दो कि इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा। अर्तुरुल जहां मौजूद होता है वहां किसी बुरे अंजाम की तवक्को नहीं होती हमें, बिल्कुल इत्मीनान रखें आप। मुझे भी अच्छी उम्मीद है। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे हलीमा सुल्तान। शुक्रिया आर्तुक भाई। क्या हुआ मेरी बच्ची को, कोई परेशानी है? अर्तुरुल और आप जिस मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं उसका इल्म है मुझे। मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम अपना दिल मजबूत करके अपने शोहर के शाना बशाना खड़ी हो इस मुश्किल वक्त में। वालिदा भी उनसे खाइफ हैं, गुंदूकदू भाई और मामू की तरह। इन हालात में आपसे बात करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। उन्हें मुश्किल में पड़ने से बचा लीजिए देली दमीर। वो आपकी बात नजरअंदाज नहीं करेंगे कभी। आपको अपने बाबा की जगह समझते हैं, जरूर मानेंगे। घबराओ मत हलीमा बेटी, मैं उन कम नस्लों को अपने एक और बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा। तुराली बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ तुराली। हम नहीं जानते थे कि हालात इस कदर बेकाबू हो जाएंगे हायमा। अगर आप जानते भी तो क्या अपना फैसला बदल लेते? हमारा कोई फैसला गलत नहीं था हायमा। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद न करना हमारी दीनी तालीमात और रिवायात के खिलाफ है। इसके अलावा मंगोलों के खिलाफ हमने एक दूसरे को मजबूत किया, साथ दिया। लेकिन अर्तुरुल ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया ना। वो मेरा खून है हायमा, मेरे खानदान का एक हिस्सा है। वो ओवोज कबाइल के बेहतरीन जंगजुओं में से एक है, मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, उस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो कबीले को लाहक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदर करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाई फिर मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मेरे कबीले के लिए बेहतर होगा, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं मुझे क्या करना है। याद रखिएगा मेरी ये बात।
आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि एक जख्मी शेरनी जो अपने बच्चे को खोने से डरती है वो क्या कुछ कर सकती है कुरकुट साहब। अब इस बारे में अच्छी तरह सोच लें आप। माशाल्लाह काम शुरू कर दिया आपने। इस काम के सिवा अब मेरे पास बचा ही क्या है माँ बहन। कहाँ है वो सब? कौन है मखानम? अर्तुरुल और उसके सिपाही कहाँ है? मैं नहीं जानता, अपनी सवारियों पर बैठकर निकल गए होंगे कहीं। कहाँ गए होंगे? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? दिली दमीर, अगर आप वाकई मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो मेरा एतबार उठ जाएगा आप पर से। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि कोई मंसूबा बन रहा है। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता, जानते हैं आप ये बात। तुराली, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, शाबाश, यहां बैठ जाओ। खाओ मेरे बच्चे। बहुत बुरा फंसा हूं आज मैं। मुझे इस उम्र में सुलेमान शाह की जोजा से गलत बयानी करनी पड़ी। अल्लाह मुझे माफ फरमाए। सादत इन कोपेक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? बताओ मुझे। महल में अमन के हामियों की तादाद बढ़ रही है जो सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से ओइते को महसूल देना चाहते हैं, लेकिन सुल्तान हिचकिचा रहा है। मुझे अलाउद्दीन के मामूली महसूल से कोई सरोकार नहीं, मुझे पूरा अनातुलिया चाहिए, पूरा अनातुलिया, हर कीमत पर। और वो कुपैक, वो क्या कहता है? मैंने आपको जमानत दी थी, आप जो हुक्म देंगे वो बचा लाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर और ओइदे का लश्कर जो आपके पीछे लगा है, जंग इसी मकाम पर लड़ेगा और सेहरू में आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। मौसम बहार के आते ही फतह आपकी होगी। सादतीन को पेक आपके फतह याब लश्कर का
कोनिया में इस्तकबाल करेगा। जंग के बजाय अमन के हामियों को एक एक करके खत्म करना होगा उसे। मैं इस जंग में किसी भी किस्म की मजाहमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि कोनिया में दाखिल होते वक्त मेरे नेजे पर कटा हुआ सर हो सुल्तान अलाउद्दीन का। अगर सादतिन को पैक नहीं चाहता कि अलाउद्दीन के बजाय उसका सर हो मेरे नेजे पर, तो उसे अमल करना होगा मेरी हर बात पर। मुझे कम से कम 40 ऊंटों की जरूरत है ताकि मैं काई कबीले से खरीदा हुआ सामान यहाँ से कोनिया भेज सकूं और फिर वहां से इजनी। मुझे ऊंटों के लिए 20 सारबान भी चाहिए होंगे। जितनी जल्दी हो सके सारा इंतजाम कर दो। गुंदोगदो भाई बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं कबीले में जाकर उनके सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता। चलो चलते हैं। मान लेके गेकली जान ले के नोयान कहां है और फर्ज कर ले कि अब्दुल रहमान को भी वहां भेज दिया, फिर क्या होगा भाई? क्या होगा अगर वहां अब्दुल रहमान पकड़ा गया? अगर नोयान सब जान गया तो जो कुछ हमारे बस में है हमें वो करना होगा। दुआन, वो अगर पकड़ा गया तो उसकी शहादत के हम जिम्मेदार होंगे। हमारी ये दुनिया ही आखिरत की खेती है। अब्दुल रहमान उनके दरमियान जाकर नौयान की मुखबरी करेगा हमारे लिए। सिर्फ वही है हमारे पास जो ये काम कर सकता है। मुखबरी के बाद नौयान की रसद और सामान की फराहमी को हम खत्म करेंगे। किस तरह होगा ये सब? क्या ये सब इतना आसान है भाई? आज एक दिन और शुरू हो गया है, अब जाना चाहिए मुझे।
कहां गया ये? अचानक क्या हुआ इसे? हमजा, कैसे हो मेरे भाई? आप कैसे हैं? आपके जाने के बाद यहां हलचल मच गई है। खबर मिल चुकी है मुझे, अर्तुरुल भाई को उनके मनसब से हटा दिया गया है। अब वो एक मामूली जंगजू रह गए हैं। वो मनसब पे रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कारगिन। क्या मतलब है आपका भाई? सुलेमान शाह के बाद यह कबीला तबाही की तरफ जा रहा है। अर्तुरुल ने जंग में फंसा दिया हमें, उसी की वजह से हम पर हमला हुआ था और उसी की वजह से हमारे जवान शहीद हुए। अब उसकी औकात खत्म हो चुकी और अब वो माजूर भी हो चुका है, सजा पा चुका अपनी। गुंदोगदू भाई का गुस्सा आप उन पर क्यों उतार रहे हैं? आप तो उन पर जान छिड़कते थे। हम सब जान छिड़कते थे, लेकिन इन लोगों ने हम सबको बेवकूफ बनाया। अपनी शोहरत की खातिर हमें इस्तेमाल किया। गुंदोगदू ने मुझे गद्दार ठहरा दिया। रफ्ता रफ्ता हम सबको इनके धोखे का मजा चखना पड़ेगा, तुम्हें भी। फिर क्या करना चाहिए हमें? मुझसे क्या तवक्को रखते हैं आप? खुद को और अपने कबीले को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूं मैं। क्या सोचा है आपने? नोयान हमें इस सूरत हाल से निकाल सकता है। जज्बाती मत हो, तामुल से सुनो मेरी बात। देख लिया आपने, हाइमा भी कितनी बातें सुना के चली गई आपको। वो मेरी बहन है, लेकिन काई कबीले की सरदार भी है और तुरुल उसका चहिता बेटा है। उसके लिए ये फैसले आसान नहीं है। उन्हीं का कबीला है और उन्हीं की औलाद, सुन ले ये बात अच्छी तरह। और उनके कबीले से आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दो दुर्गा कबीले के सरदार हैं आप। आपको सबसे पहले अपने बेटे और अपने कबीले के बारे में सोचना होगा। अर्तुरुल जब तक मौजूद है यहाँ, दोनों कबीलों को यकजा करने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपके एक हुक्म पर दोनों कबाइल एक साथ खड़े होंगे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो खातून? ना हाइमा ना अर्तुरुल अपने साथ सिर्फ गुंदोगदू को मिलाए। अगर उसे हम अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए तो ये जंग हम जीत जाएंगे। मगर ये होगा किस तरह? गुंदोगदू के दिल में ख्वाहिश जगानी पड़ेगी कि काई कबीले का सरदार बनने के लिए उससे बेहतर कोई नहीं, और उसकी इस ख्वाहिश को हम मजीद तकवीत देंगे। और अगर आपने ऐसा ना किया तो काई वाले आपकी दस्तरस से बाहर निकल जाएंगे। वालिदा, तेरा खेमों के अलावा सब खेमे तैयार हो गए हैं। बाकियों में बिछौने पहुंचा कर हम उन्हें भी जल्द तैयार कर लेंगे। बारिशों से पहले सब खेमे तैयार हो जाएंगे।
शाबाश मेरी बच्ची। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं तो मैं चलती हूँ। शब बख़ैर वालिदा। हलीमा कहिए वालिदा, अर्तुरुल कहाँ है? मालूम नहीं वालिदा। यानी कि वो तुम्हें बताए बगैर ही कहीं चला गया, क्यों ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मैं सच कह रही हूँ वालिदा आपसे, झूठ बोलने से बेहतर है कि मैं आपके सामने खामोश रहूं। अर्तुरुल इस वक्त आग से खेल रहा है, हम दोनों जानते हैं ये बात, मालूम है ना तुम्हें? यानी मैं सही थी। क्या होगा अगर तुम्हारी खामोशी हम सबकी परेशानी का बाइस बन जाए? वालिदा क्या चाहती है, अपने शोहर की जासूसी करूं मैं आपके सामने? करनी पड़ेगी तुम्हें, जरूरत पड़ने पर तुम्हें यह भी करना पड़ेगा, कहीं मुझे मजबूरी में कोई सख्त फैसला ना करना पड़ जाए। मैंने उस लड़के के भरोसे पर कई सालों से कबीले को संभाला हुआ है, जानती हो तुम अच्छी तरह। तो अब कहाँ है वो हजरत? मौजूद नहीं। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि हम दोनों गलती पर हैं, उन पर भरोसा नहीं किया, हमने मासूर समझा उन्हें, क्योंकि हम कबीले में इत्तेहाद चाहते थे। अर्तुरुल इंतकाम में अंधे होकर बदला लेना चाहते हैं, उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम वालिदा? उन्हें अकेला छोड़ दिया, हम दोनों ने खुद से दूर कर दिया उन्हें, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। शब बख़ैर वालिदा। हलीमा तुम्हारे हर कदम पर नजर है मेरी, मुझे ऐसा फैसला करने पे मजबूर मत करो जो नहीं करना चाहती मैं। हलीमा में वो काबिलियत मौजूद ही नहीं है जो अर्तुरुल की गलती पर उसकी रहनुमाई कर सके। आपने उस औरत से उम्मीद लगाई है जो सरदार की अच्छी बीवी नहीं बन सकती। कोकचे, उस औरत से अर्तुरुल मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं हो सकती। जिंदा होते और मेरे साथ मौजूद होते, मुझे आपकी बहुत जरूरत है सुलेमान। क्या हुआ दुआन? नींद नहीं आ रही भाई। केकली की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाती, किंतु तू भाई और आपका झगड़ा क्या हो रहा है कबीले में, हर एक को मालूम है कि क्या हुआ था भाई। सब इंतजार में है कि अब क्या होगा। हम आखिर बंद गली में पहुंच गए,
वापसी का रास्ता नहीं है कोई, लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, जानता हूं मैं। तू तक इन शोलों को हवा दे रहा है, दुश्मनी पर उतर आया है वो, खुलेआम धमकियां दे रहा था हमें। जालिम मंगोलों से निमटने से पहले उसे बर्दाश्त कर रहा था मैं, लेकिन मेरा भी सब्र अब खत्म हो रहा है। इतने कम वक्त में क्या करेंगे हम? गेकली मंगोलों के पीछे हमें कबीले जाना होगा आखिरी बार, अब्दुल रहमान को वहां से निकालने के लिए, फिर कबीला छोड़ देंगे। बहुत जाने गंवाई है हमने, हमारी कुर्बानियों को कोई नहीं गिन सकता। कितने ही बच्चे यतीम हो गए, मुट्ठी भर होने के बावजूद अय्यूबी खानदान के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन क्या हासिल हुआ? तुम बताओ सकार, क्या तुम गम नहीं सह चुके हो अपने भाइयों का? बिल्कुल सहाय। अब तुम बताओ सरू, क्या तुम अपने बहादुर बाप और अपने भाई को अपने हाथों से नहीं दफना चुके हो? सही कहा आपने। कभी सोचा है तुम लोगों ने ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? ताकि इजाफा हो सके गुंदोगदू भाई और अर्तुरुल भाई की शोहरत, इज्जत और वकार में। याद है वो सलीबियों के खिलाफ जंग जिसके नतीजे में उनको सेल्जुक की शहजादी नसीब हुई? जानते हो क्यों? ताकि शाही नस्ल परवान चढ़ने से सल्तनत की राह हमवार हो सके। अर्तुरुल ने सिपा सालार के तौर पर लातादाद बार आग में झोंका कबीले को। हम में से कौन है जिसने नुकसान ना उठाया हो? कौन है जिसने अपने प्यारों का गम नहीं झेला? ठीक कहा, बिल्कुल सही कह रही है। हाँ हाँ, सही बात है, मैं मानता हूँ ये बात, बिल्कुल सही। लेकिन हमने अपने अकीदे और इज्जत की हिफाजत की है, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम को बचाया है। दुरुस्त, दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन सिला क्या मिला फिर? किस हाल को पहुंच गए हम? दुनिया के सबसे ताकतवर लश्कर के खिलाफ क्या है हमारे पास? सिर्फ शोहरत है हमारे पास, लेकिन खाने के लिए एक वक्त की रोटी मौजूद नहीं कबीले में। हमें एक अनजान कबीले के लिए कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरदार गुंदोगदू की यही ख्वाहिश है। इन दोनों भाइयों में ही आपस में एका नहीं है। इन दोनों ने अपने कबीले की रिवायात कुचल के रख दी हैं, सब कुछ तबाह कर दिया है। तुम सब इस दुनिया के सबसे बहादुर जंगजू हो। तुम्हारी बहादुरी के किस्से चंगेज खान और ओएदे खान ने भी सुन रखे हैं। जिंदगी में कभी तुम लोगों ने इतनी दौलत नहीं देखी जितनी उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है। तो फिर कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। और वो जाबाज जिनमें मेरे साथ जाने का हौसला और हिम्मत है, वो मुझसे अपना हिस्सा ले सकता है, ताकि हम दुनिया को बता दें कि असली बहादुर जंगजू क्या होता है। तुम क्या कहते हो गुनगुत? ठीक है हमजा।
एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। क्यों मेरे अल्फाज की सच्चाई तुम्हें आईना देखने पर मजबूर करती है कुंदुगदु? सलजान, तुमने जिस भाई के साथ बचपन से जवानी तक का वक्त गुजारा, तुम उसकी सुनने के बजाय अपने मामू की बात सुनोगे जो आयतोलत के हाथों एक कठपुतली है? मुझे इस बात का अंदेशा था। अर्तुरुल ने पहली बार तुम पर हाथ उठाने की जरूरत की। जानते हो क्यों गुंदोगदु? क्योंकि तुम भटक चुके हो। खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे कहा। मारोगे तुम मुझे? जब तक तुम हकीकत ना पहचान लो मैं नहीं रुकूंगी, खामोश नहीं रहूंगी मैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो गुंदोगदु? अर्तुरुल से मुंह मोड़ के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बस करो, बहुत हो गया सलजान। वो शैतान सिफत औरत सुकून से नहीं बैठेगी जब तक अर्तुरुल और वालिदा से तुम्हें बददिल ना कर दे। अब तो अपनी आंखें खोलो गुंदोगदु, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? हकीकत से आंखें फेर लेने से हम इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे, तुम समझ रहे हो? सलजान छोड़ो मुझे। बददिल कहीं का? तुम एक बददिल हो। तुम अपने उन अजाइम से खौफजदा हो जो कभी हमारे जहनों में घर किए हुए थे। लेकिन एक बात याद रखना गुंदोगदु, अगर अब भी होश के नाखून ना लिए तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। बस बंद करो और चुप रहो। अपनी आंखें खोलो गुंदोगदु, होश में आओ। गुंदोगदु भाई, तुम एक साजिशी औरत हो, बहुत घटिया है तुम्हारी सोच। हाथ उठाने पर मजबूर किया तुमने, अल्लाह पूछेगा तुमसे सलजान। हटाओ अपने गलीज हाथ। आज या कल तुम्हारा ये गलीज खेल खत्म हो जाएगा, देखना तुम। दफा हो जाओ यहां से। आपके लिए औलाद की खुशी बहुत जरूरी है भाई। जैसे मुझे अपने निकाह के लिए एक मुनासिब लड़की की जरूरत है। उसने मुझे देखा और कहा आयतोलन, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदर कर दूंगी।